आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड वैक्सीनेशन अभियान और छठ पर्व के तैयारियों की समीक्षा। वैक्सीनेशन के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा करने के साथ छठ पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने के दिए निर्देश। महदीपुर स्थित टाइम नियर हॉस्पिटल के संचालक से रविवार को बदमाशों ने अज्ञात नंबर से मांगी 2 करोड़ रुपए की रंगदारी। नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की दी धमकी, जबकि धमकी भरे कॉल की नहीं है कोई रिकॉर्डिंग। एसएसपी ने कहा, संचालक के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर की जा रही है कार्रवाई। मामला आपसी रंजिश का, जल्द होगा मामले का खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई छठ पर्व की तैयारी बैठक। छठ घाटों पर साफ सफाई, लाइटिंग सहित सुरक्षा के दिए निर्देश। कहा, श्रद्धालुओं को ना होने पाए कोई दिक्कत। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बांसगांव तहसील सभागार में आयोजित हुआ जिला स्तरीय तहसील संपूर्ण समाधान दिवस। आए फरियादियों की फरियाद सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश। जेएम ग्लोबल ग्रुप दुबई के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र मतलानी द्वारा भेजे गए 10 लीटर क्षमता के 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को वरिष्ठ समाज सेवी अरविंद विक्रम चौधरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती को किया समर्पित। प्रांत प्रचारक सुभाष जी ने डॉक्टर मतलानी का जताया आभार। जनता के समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए लगाए जाने वाले तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का सदर तहसील सभागार में किया गया आयोजन। आए कुल 46 मामलों में से 6 का मौके पर हुआ निस्तारण। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 205 केंद्रों पर 14,766 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 3,915 लोग और सेकेंड डोज लेने वालों में 10,851 रहे शामिल। एडिशनल सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। छठ पर्व के दृष्टिगत नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने गुरु गोरक्षनाथ घाट का किया निरीक्षण। कहा, घाटों की साफ सफाई के लिए निगम के द्वारा 400 सफाई कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। पादरी बाजार स्थित खादिम के नए शो शोरूम का महापौर सीताराम जायसवाल ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा, अच्छी क्वालिटी कम दाम ही खादिम की है पहचान। लोगों को उचित मूल्य में उपलब्ध होगा शूज। और छठ पर्व की तैयारियों में जुटे श्रद्धालु घाटों पर बना रहे हैं बेदी। एसपी सिटी ने कहा, सुरक्षा के दृष्टिगत सिविल ड्रेस में महिला पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। नदी में 2 SDRF की टीम रहेगी मौजूद।